नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन मामले में भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस इस केस में FIR दर्ज करेगी। गौरतलब है कि महिला पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग कर रही थी और इसी मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के खिलाफ आज मुंबई में CBI की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि अभिनेत्री की मां ने सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कथित बीमा घोटाले की जांच के सिलसिले में CBI की एक टीम आज जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची और उनसे पूछताछ की। 7 महीने में यह दूसरी बार है जब सत्यपाल मलिक से केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की है। अतीक और अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि सरकार बताए कि उस दिन क्या हुआ और जांच में अब तक क्या क्या हुआ। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को यह जानकारी कैसे मिली कि अतीक अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अतीक अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। पूर्व जदयू नेता अजय आलोक भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। पंजाब कैबिनेट की बैठक अब पंजाब के अलग अलग शहरों और गांवों में होगी। यह फैसला सरकार आपके द्वार अभियान के तहत चंडीगढ़ से बाहर आज लुधियाना के सर्किट हाउस में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में CM भगवंत मान ने कहा कि जिस जगह कैबिनेट की बैठक होगी उस पूरे दिन सरकार वहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आज 100 वाट कैपेसिटी के 91 FM रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में इन FM रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। मणिपुर के चुरचांदपुर में मुख्यमंत्री N. वीरेन सिंह के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सभा स्थल पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। घटना के बाद जिले में इंटरनेट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई। घटना राजधानी इम्फाल से करीब 63 किलोमीटर दूर न्यू लमाका में हुई। स्वदेशी जनजाति नेताओं के मंच ने राज्य सरकार पर गिरजाघरों को गिराने का आरोप लगाया है। महिला पहलवान गीता फोगाट ने जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा के बयान को बेहद शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जिस इंसान पर इतने संगीन आरोप लगे हों उन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और PT उषा जी आप खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता रही हैं। एक महिला और खिलाड़ी होने के नाते आपसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, बेहद ही शर्मनाक। पाकिस्तान में ईशनिंदा मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक को आतंकवाद रोधी अदालत ने रिहा कर दिया। अदालत ने चीनी नागरिक से 2 लाख मुचलका भरवाने के बाद उसे रिहा किया। अदालत ने बताया कि कोहिस्तान पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था, इसलिए उसे जमानत दिया जाता है।